नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल अभी तक और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय में दोपहर 2 बजे होने वाली है और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है और बैठक में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक 25 अप्रैल को प्रस्तावित थी लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण इसका शेड्यूल बदलना पड़ा और बैठक में प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने का निर्णय ले सकती है। कई महीनों से लटकी कंडक्टर भर्ती पर भी निर्णय लिया जा सकता है और इसके अलावा 7500 पीटीए शिक्षकों को लेकर भी चर्चा होगी और विभिन्न विभागों में अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी फैसला लिया जाएगा। सैकड़ों कर्मचारी 1 अप्रैल से नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं और प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 1 साल में 2 तिथियां तय कर रखी हैं। इसके मुताबिक 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को नियमितीकरण के निर्णय लिए जा सकते हैं। इस बार 1 अप्रैल को होने के बाद भी कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और बैठक में हाइड्रो प्रोजेक्ट को राहत देने पर भी विस्तार से चर्चा होने वाली है।